आपको बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। इसमें सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठ करके जैसे आपको अच्छा लगे बैठ जाइए। तो मैं तो सिद्धासन को चयन कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान मुद्र लगाना है। जब उठा, तर्जनी के अग्रभाग को मिलाया, तीनों उंगलियों को सीधा रखा और सीधे बैठ करके सबसे पहले तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण होने के उपरांत हमें भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम की शुरुआत करनी होती है। इसमें 5 सेकंड तक सांस भरते छोड़ते हैं। इसे 3 प्रकार से कर सकते हैं, समान, मध्यम और तीव्र गति से। मैं थोड़ा थोड़ा करके उसे दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। यह है सामान्य अवस्था, इसे हम 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद है मध्यम अवस्था, इसके बाद है तीव्र गति का अभ्यास, यह भस्त्रिका प्राणायाम। इसे 3 तरह से कर सकते हैं। सावधानी है, यदि कोई हार्ट की समस्या हो, कोई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो आप केवल और केवल सामान्य गति का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे उसमें जब पारंगत होने लगेंगे तो मध्यम गति का, फिर तीव्र गति का अभ्यास आप करते रहेंगे। खास करके दौड़ने वाले लड़के जो आजकल आर्मी में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए और सिपाही में भर्ती होने के लिए, या रेलवे में बहुत सारे ग्रुप डी की भर्तियां आती हैं जिसमें दौड़ लगाने होते हैं। बच्चे थोड़े देर दौड़ते हाँफ जाते हैं, उनका कोई सलूशन नहीं निकल पाता है, तो दौड़ने वाले बच्चों के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही लाभकारी है। आप उसे करके हाँफ को पचा सकते हैं।